नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बड़ी अध्यात में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए वीडियो लेकर, जिसमें कि मैं आलू की जानकारी दूंगा आपको पूरी, और आज आलू के भविष्य के बारे में भी थोड़ा सा एक इशारा देंगे और हसन के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और कल दोस्तों 11 बजे संडे लाइव को मिस मत करना, 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें आप सभी लोग। कल चर्चा करेंगे, कुछ पोल खोलेंगे कुछ लोगों की लाइव में, कल के में दोस्तों कुछ चोर आड़तियों की पोल खोली जाएगी और देखते हैं कि उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आता है उन लोगों, मतलब कुछ लोग तो बिल्कुल ये मान लेना कि चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, सबके शोषण में लगे हुए हैं फुल स्पीड में, तो उन लोगों की भी दोस्तों ज़रूरी है हमको पोल खोलना। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरा नाम वैभव शर्मा है और मैं हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए आज सभी मंडियों के, भारत की समस्त मंडियों के आलू के भाव लेकर, जिस और आप सभी लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि इस समय कौन कौन सी मंडी डाउन है और कहाँ कहाँ पे आलू में तेज़ी देखी जा रही है। तो उन लोगों से मैं थोड़ा सा हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगा, जो लोग हसन के नाम पे इतने दिन से हल्ला काट रहे थे, वो लोग कम से कम जितने भी किसान को नुकसान हुआ है इस समय वहाँ पे हसन में, उनकी थोड़ी बहुत तो जिक्र करें, जिससे शायद तुम्हारी आवाज़ ऊपर तक कहीं तक पहुँचे, तो उन लोगों को कम से कम कोई उचित मुआवजा सरकार द्वारा मिले, जो कर्नाटक की गवर्नमेंट है उसके द्वारा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर इस समय बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया किसानों को। और इस कदर नुकसान हो गया कि एक कल मेरी एक किसान से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि शर्मा जी सूर्या लगाया था मैंने, कुछ लैंग्वेज की दिक्कत रहती है, तो सूर्या लगाया था मैंने और सूर्या की ये हालत हुई है कि मतलब उसमें सूर्या इतनी मजबूत वेराइटी है, उसके बाद भी उसमें आलू दागी होने लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि आलू में नुकसान उधर किस कदर हुआ होगा। तो और बाकी दोस्तों बहुत से एरियों में मेरी हसन में बात हुई है, क्योंकि लास्ट ईयर में गया था और जल्दी ही जाने का प्लान बना रहा हूँ, जल्दी ही थोड़ी व्यस्तता के कारण नहीं निकल पाया हूँ और बीच में रक्षाबंधन भी है, तो मैं पूरी जाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप सभी लोगों को वहाँ पे जाके अपडेट करूँगा दोस्तों। और बेंगलोर के आड़तियों की एक और मैं बात बता दूँ दोस्तों, विशेषता है जब आलू में तेज़ी होगी तो एक ग्रुप है व्हाट्सएप पर चलता है, उसी ग्रुप को देखकर जितने भी कोल्ड स्टोर वाले हैं, जितने भी व्यापारी हैं, वो तेज़ी मद्दे का आकलन लगाते हैं। पर मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि इस ग्रुप पर भरोसा ना करें, ये लोग सिर्फ प्योर झूठ बोल रहे हैं। इस समय मंडी में आलू कुछ रेट बिक रहा है, व्यापारियों का आलू कुछ रेट बिक रहा है, किसान का आलू जाके कुछ रेट बिक रहा है, ये कुछ रेट बता देते हैं आप लोगों को और पूरा शोषण कर देते हैं। आप लोग तो खटाक से फ़ोन निकाला जिम में से और कह दी कि गाड़ी पहुंच रही है हमारी, माँ बैठ के कौन देख रहा है, तुम माँ सामने बैठे हुए तो तुम्हारी कुछ और रेट बिकेगी गाड़ी। अभी कल परसों का वाक्य बताऊँ मैं, एक आड़त पर नाम नहीं लूँगा मैं आड़त का, किरावली की एक गाड़ी पहुँची, वो 24.25 रुपये किलो बिकी 2 दिन पहले, और उसी के बगल में वही सेम आलू ऐसा आलू 21-22 रुपये किलो बिका, क्योंकि मेरा आदमी वहाँ पे मौजूद था जो मेरे मिलने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के जो शोषण में लगे हुए हैं। पर दोस्तों तो एक समय उचित आने दो, तब इस शोषण का पर्दाफाश करूँगा, पूरी तैयारी है बढ़िया और तैयारी के साथ काम करेंगे, जिससे एक बार में ही सभी किसान अवेयर हो जाएं। तो यही है दोस्तों, और हसन के किसानों के साथ मेरी पूरी संवेदना है, क्योंकि उतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, एक किसान कैसे कैसे लागत लगाता है, कैसे कैसे व्यवस्था बनाता है पैसे की, और उसके बाद कोई चीज़ हासिल जब उसको कंटिन्यू, जब बारिश हो रही है दोस्तों तो आलू की स्थिति ख़राब होती जा रही है, अगर आलू बच भी जाता है तो उसके बाद उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। तो ये लोग जो मजाक बनाते हैं ना किसानों का खड़े होकर ये YouTube चैनलों पे, उन लोगों से मैं निवेदन करूँगा जो मजाक बनाना बंद कर दो। अगर हम आलू में तेज़ी के, अगर हमको तेज़ी, देखो एक चीज़ है, अगर आलू में तेज़ी है, तेज़ी बता रहा हूँ, तो इसमें मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, किसी किसान का मैं शोषण नहीं कर रहा हूँ, शोषण तो आप लोग कर रहे हो, क्योंकि आप लोग जब तेज़ी होती है तो आप शांत बैठ जाते हो, और जब आलू में मद्दा आ जाता है तो आप डेली बना बना के वीडियो डालते हो। मैं चाहे तेज़ी हो चाहे मद्दा हो, मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, कभी भी बीच में ये नहीं करता हूँ। आज मेरी वीडियो लेट हो गई आधे घंटे, पर मैंने डाला, कितनी व्यस्तता थी उसी को मैं ही जानता हूँ। तो इन जो मैं, जो लोग शोषण कर रहे हैं किसानों का, जो कोल्ड स्टोर वाले जो व्यापारी लोग शोषण कर रहे हैं, मैं उन आप लोगों को भी उस कैटेगरी में मानता हूँ, आप लोग भी वही काम कर रहे हो जो लोग वो कर रहे हैं, आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो थोड़ा सा आज भी सुधरने का आप लोगों के पास मौका है, किसानों को इस साल बहुत फ़ायदा हुआ है, किसानों ने समझदारी के साथ आलू बेचा है, बहुत से किसान मेरे पास जितने भी किसान आते हैं उसमें 95% किसान ऐसे हैं जिन लोगों ने आलू आधा बेच दिया आज की तारीख में, और 60% आलू बेच दिया। कोई अभी ये कहे कि किसान अपना पूरा आलू बेच दे, तो क्यों बेच दे पूरा आलू वो, जब वो अक्टूबर तक का अपना कोल्ड का भाड़ा देगा, भाई उसको भी उम्मीद लग रही है कि तेज़ी में आलू में और इससे भी ज़्यादा तेज़ी ले सकता हूँ मैं। तो दोस्तों ये जितने भी चोर थे जो शुरू से ही आलू को मद्दे में फैलाना चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि उल्टा सीधा किसान को, जैसे हर साल हर मतलब
अब तक बेवकूफ़ बनाते रहे हैं वैसे बेवकूफ़ बनाते रहे हैं आगे भी, पर ऐसा हुआ नहीं है। अब चलिए दोस्तों भाव बता दूं जल्दी जल्दी आप सभी लोगों को, बहुत देर हो गया लेक्चर पर, क्या करूं। सबसे पहले आज सूरत गुजरात की शुरुआत करेंगे। तो आज बादशाह आलू बिके हैं वहाँ पर 20 से 22 रुपये किलो तक। पुखराज सूखा हुआ 15 से 17.5 रुपये किलो। पुखराज गीला 15 से लेकर 17 रुपये किलो तक। और खंदौली का, आगरा का, हमारे यहाँ का आलू 15 से 18 रुपये किलो तक बिका है। और ख्याति 16 से लेकर 19 रुपये किलो तक। अब आप मुझे ये बताइए कि गुजरात में, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि गुजरात में आलू बहुत है, तो गुजरात में जब आलू बहुत ज़्यादा है तो फिर ये आगरा का आलू की गुजरात को क्या ज़रूरत पड़ रही है, आप मुझे बताइए, ठीक है ना। तो सब चीज़ों पर मंथन करना जरूरी है। बात करें दोस्तों मदुरई की, मदुरई में एक्स्ट्रा सुपर आलू आज 26 से 27 रुपये किलो तक बिके हैं। हल्की क्वालिटी के 24 से 25 रुपये किलो तक। राजस्थान की मंडी दोस्तों थोड़ी ढीली है इस समय। राजस्थान में आज जयपुर में 15 से 16 रुपये किलो तक आलू ऊंचे में बिके हैं। हल्की क्वालिटी के 13 से 14 रुपये किलो। हॉलैंड 16 से लेकर 17 रुपये किलो तक। हल्की क्वालिटी के 14 से लेकर 15 रुपये किलो तक। अब बात करते हैं दोस्तों कानपुर की। तो कानपुर में आज आलू गुल्ले बिके हैं 12 से 14 रुपये किलो। गुल्ला और हल्की क्वालिटी का 11 से 12 रुपये किलो। मोटा बिका है 15 से 16 रुपये किलो तक। हॉलैंड बिका है 15 से 16 रुपये किलो। और सिंदूरी बिके हैं 14 से लेकर 14.5 रुपये किलो तक। अब आपको मैं बताता चल रहा हूँ धीरे धीरे दोस्तों, कल के भाव आपने सुने होंगे। मंडियों में चेंज आएगा तो भी बताने का काम है, और नहीं चेंज आएगा तो भी हमारा बताने का, अपडेट करने का काम है। जिससे बहुत से किसान ऐसे हैं जो जिन लोगों को अगर मैं वीडियो नहीं डालता तो कम से कम 100 फोन मेरे पास आते हैं तुरंत। बात करें दोस्तों मैसूर मंडी की, तो कोलार का आलू बिका है 22 से 23 रुपये किलो। इंदौर का 22 से लेकर 23 रुपये किलो। कोलार में दोस्तों कोल्ड स्टोर है, उसका आलू आता है। और आगरा का बिका है 22 से 24 रुपये किलो। गुजरात दिशा का आलू दोस्तों बिका है 20 से लेकर 21 रुपये किलो मैसूर में। बात करें दोस्तों मुंबई की, तो मुंबई डाउन है। मुंबई में आज आलू 137 बिके हैं 18 से लेकर 19 रुपये किलो तक। और हल्की क्वालिटी के 37-97 17 से 18 रुपये किलो। यूपी का जो हाइब्रिड आलू है हमारे यहाँ का 15 से 17 रुपये किलो तक। एमपी का लॉकर बड़ा बड़ा साइज 20 से 22 रुपये किलो। एमपी का लॉकर मीडियम 16 से 18 रुपये किलो। एमपी का ज्योति बड़ा 18 से 20 रुपये किलो तक। एमपी का ज्योति मीडियम 15 से 17 रुपये किलो तक। और एमपी का चिप्सोना पास 18 से 20 रुपये किलो। एमपी का चिप्सोना बेपर फेल 15 से 17 रुपये किलो तक। और एमपी का गुजरात का ख्याति 14 से 16 रुपये किलो। गुजरात का पुखराज बिक रहा है 14 से 16 रुपये किलो तक मुंबई की मंडी में दोस्तों। मुंबई की मंडी दोस्तों 30-30 हज़ार कट्टे, 25-25 हज़ार कट्टे पहुँच रहे हैं। इसी वजह से मुंबई में भाव डाउन है और आमद ज़्यादा है, डिमांड नहीं है। बारिश की वजह से डिमांड में बहुत बड़ी दिक्कत है। तो दोस्तों मुंबई में इस समय बारिश का दौर जारी है और आलू धड़ाधड़ पहुंच रहा है। कोल्ड स्टोर में से निकासी बहुत सुपर फास्ट है, इसी वजह से हर जगह से निकासी ज़्यादा है, इसी वजह से आलू खूब पहुँच रहा है मंडी में। और थोड़ी सी मंडी नीचे आ गई है, तो डाउन है तो डाउन बोला जाएगा, तेज़ी तो तेज़ी बोली जाएगी, समझ रहे हो बात। कल एक फेसबुक पर कमेंट का जिक्र कर दूँ, एक किसान कह रहे, किसान थे पता नहीं व्यापारी था कौन था, व्यापारी भी कोई वैसा ही होगा, बढ़िया व्यापारी नहीं होगा। वो यूँ कह रहा कि शर्मा जी आप नहीं आलू बिकने दोगे, आप तो किसानों को बर्बाद करोगे। तो मैंने और दसों किसानों ने पूछी, भाई कैसे बर्बाद करेंगे बताओ तो सही। मैंने कौन से दिन कहा है कि किसानों से आलू मत बेचो। जो किसान 60-70% अपना आलू बेच चुके हैं, क्या मतलब, या तो मैंने बिकवा दिया या फिर मैंने रुकवा दिया। ये मेरा काम है, मेरा काम दोस्तों अपडेट करने का है, और आगे चल के मुझे लग रहा है तेज़ी के तौरी तो उसके बारे में सारा करने का भी मेरा काम है। तो ये सब काम तो लगे रहते हैं। बात करें नागपुर की, तो एक्स्ट्रा सुपर 37-97 18 से 19 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी का 16-17 रुपये किलो। और गुल्ला बिक रहा है 14 से 15 रुपये किलो तक। किर्री बिक रही है 9 से लेकर 10 रुपये किलो तक। बात करें दोस्तों पूना मंडी की, तो पूना आज बंद है, शनिवार को पूना खुली नहीं रहती है। बात करें लखनऊ की, तो एक्स्ट्रा सुपर जो शुगर फ्री चिप्स होना है बिक रहा है 19 से 20 रुपये किलो तक। हल्की क्वालिटी का 16 से लेकर 17 रुपये किलो तक बिक रहा है। बात करें दोस्तों गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी में यूपी का जो एक्स्ट्रा सुपर आलू है 23 से 23.5 24 रुपये किलो तक बिक रहा है। हल्की क्वालिटी का 21 से 22 रुपये किलो तक। यूपी फरुखाबाद का बिक रहा है एक्स्ट्रा सुपर 21 से 22 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी का 20 से लेके 21 रुपये किलो तक। बंगाल का बिक रहा है एक्स्ट्रा सुपर 20 से 22 रुपये किलो तक। और हल्की क्वालिटी का 20 से 21 रुपये किलो। दोस्तों बारिश होने लगी तेज, वो उसको रख ले उठा के कल से देखो। बात करें कल सा हाँ उठा ले बाहर रख ले, जो और बाल्टी रखी रहती है। जोधपुर की दोस्तों बात करें, तो एक्स्ट्रा सुपर आलू 15 से लेकर 16 रुपये किलो तक बिक रहा है। बस यहीं रख ले। हल्की क्वालिटी का 14 से लेकर 15 रुपये किलो तक। और बढ़िया 16-16.5 तक बिका है आज। सबसे बड़ी समस्या जोधपुर में दोस्तों एक ये है कि जोधपुर मंडी में 2000 कट्टे तो कम से कम डंप लगा हुआ है, क्योंकि हल्के आलू हैं और आलू वो बिक्री हो नहीं रही है उनकी, लोग उनको ग्राहक पसंद नहीं कर रहा है, हल्के आलू की वजह से मंडी थोड़ी डाउन है। बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर आज बिकी है 23 से लेकर 24 रुपये किलो। और ये ग्रुप है दोस्तों, उसमें पोजीशन डाली है उन्होंने 22 रुपये किलो की, मतलब अबव 22, मतलब ये डालते हैं कि कुछ लॉट फ्यू लॉट्स सेल मतलब 1000 वो 1100 एबव का मतलब कितना एबव
23 रुपये किलो, 24 रुपये किलो, 25 रुपये किलो कितना बिका होगा, तो उनसे कहता हूँ सुधार ले आओ अपने अंदर। आगरा का एक्सट्रा सुपर बेंगलोर में 23 से 24 रुपये किलो तक बिके हैं, हल्की क्वालिटी के 21 से 22 रुपये किलो तक। चेन्नई की मंडी की दोस्तों मैं बता दूँ तो चेन्नई में आज आलू बिके हैं 24 से लेकर 25 रुपये किलो तक, बढ़िया BBIP हल्की क्वालिटी के 22 से 23 रुपये किलो, 302 23 से 24 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का 20 से 21 रुपये किलो। हसन का आलू बिल्कुल नहीं आया आज। हसन में मैंने बता दिया आप लोगों को कि हसन वाले किसानों के लिए थोड़ा बहुत, अब जो लोग बार बार उपदेश दे रहे थे हसन ऐसे हसन, उन लोगों को अपडेट करना चाहिए, किसानों को बताना चाहिए कि किसान भाइयों को कि भाई मतलब अपने यहाँ के लोगों को भी पता चले ना कि हसन में नुकसान लोगों को हो गया, समझ रहे हो, और वहाँ की गवर्नमेंट को पता चले। जो इस यूट्यूब चैनल आज ज़्यादातर लोग भाई सब लोग देख रहे हैं आजकल इनको, तो कम से कम उनको भी पता चले कि हाँ किसान का वहाँ पर नुकसान हो गया है। अभी भी अलर्ट है, बारिश है वहाँ भयंकर। तो बाकी दोस्तों बात करें भविष्य की, तो भविष्य सारा आलू का किसान के हाथ में होता है। निकासी बदस्तूर बढ़िया चलती रहेगी, भविष्य बढ़िया बना रहेगा। नहीं तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि आलू 2000 बिक के भी 300 रुपये कट्टा बिका था, ठीक है, और ये तो दुनिया है। 1-2% 4-5% तो किसान ऐसे हैं जो लोग 300 रुपये कट्टा 250 रुपये कट्टा बेचते हैं। 2000 जब आलू बिका था ध्यान रखो तब भी 300 रुपये कट्टा बहुत से लोगों ने आलू बेच लिया था। तो आप समझ सकते हैं भविष्य और हर किसान की बिक्री किसी के हाथ में नहीं है, सब अपने बुद्धि विवेक से धीरे धीरे काम करते रहिए, धीरे धीरे आलू बेचते रहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कल 11 बजे तैयार रहना। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।